सो हाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक सॉल्यूशन। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की जो वीडियो माइनक्राफ्ट के ऊपर, ये गेम है जो बहुत ज़्यादा सर्वाइवल गेम है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आजकल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस गेम के अंदर मोड इंस्टॉल, जो एक ग्राफिक मोड होने वाला होगा और ये मोस्टली सारे पीसी पे वर्क करेगा और ज़्यादा एफपीएस ड्रॉप भी आपका नहीं डालेगा, क्योंकि आपने को देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो में जब वो ग्राफिक मोड डालते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका जो एफपीएस होता है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है और स्टटर बहुत ज़्यादा आने लगता है। जो मैंने मोड चुने वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और उनमें आपके एफपीएस ड्रॉप ज़्यादा नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छे एफपीएस आएंगे अगर आपका हार्डवेयर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तब भी। सो बस आज के वीडियो में ग्राफिक्स को कुछ इससे जो उसके डिफॉल्ट रह सकते हैं कुछ ऐसा चेंज कर देंगे जो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वरना आपका गेम भी ग्लिच हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आ गए अपने पीसी स्क्रीन के ऊपर। मैंने इस पीसी में टी लॉन्चर से माइनक्राफ्ट इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो ऊपर आई कार्ड में आ रही होगी, वहाँ से आप कर सकते हो उस इंस्टॉल। तो आप देख सकते हो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आपको उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे जो शेडर्स मॉड की वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे विजडम शेडर दिख रहा है, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन भी इसका मिल जाएगा। तो फटाफट आप इसको कर लो डाउनलोड, साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है तो आप क्लिक करोगे इस पर डाउनलोड, तो ये आपको होने लग गया डायरेक्ट डाउनलोड, कोई भी कैप्चर वैप्चर नहीं है। तो डाउनलोड करके आप इसे, आप मैं आपको लोकेट कर देता हूँ मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में, आप लिख सकते हैं सबसे लास्ट वाला विजडम शेडर ही है। अगर प्रॉपर्टीज दिखाऊँ तो आपके में भी ऐसा ही आएगा। तो इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब करीब 2 MB के आसपास का साइज़ है। तो फिर आपको खोल लेना है टी लॉन्चर। लॉन्चर में आपको अपना यूज़र नेम तो आपको नॉर्मली डालते ही है, वही है। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्टिफाइन, जो आपको दिखा हुआ है आपको इसमें जो वर्जन मैंने दिखाया हुआ 1.1.6.5, आपको इस वर्जन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको साइड में वो आ रहा होगा फोल्डर ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप फोल्डर ऑप्शन खोलोगे तो हम आपको माइनक्राफ्ट की डायरेक्टरी में पहुँच जाओगे। यहाँ पे आप वो नॉर्मली अपने पीसी से एक्सेस नहीं कर सकते, बट आपको यहाँ से एक्सेस करना है। तो आपको यहाँ पे आप फोल्डर बनाने का नाम रखना है शेडर्स पैक्स। तो आपको शेडर पैक्स के नाम से फोल्डर है, मैं ऊपर भी दिखा दूंगा कैसे फोल्ड बड़े बड़े में। तो आपको जो ये अपने मॉड डाउनलोड करा है, इसे ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर कॉपी या मूव जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, आपको ये करना है। और फिर आप कर दो इस फोल्डर को बंद, मतलब आपको उसका कुछ काम नहीं है, और सिंपली जाओ अपने माइनक्राफ्ट में और कर दो एंटर गेम के अंदर। तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, मतलब आपको फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल भी होगा थोड़ा सा, मतलब कुछ MB का, फिर ये आपका अपने आप गेम रन हो जाएगा। तो जैसे ही वेट कर लेते हैं गेम रन होने का, सो आप सामने देख सकते हैं मेरा गेम रन हो चुका है। ऊपर आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में दिखते हैं। ये पेड वर्जन नहीं है, टी लॉन्चर से फ्री वाला डाउनलोड करा हुआ है। तो आप इसमें कोई भी अपना एक वर्ल्ड कनेक्ट कर लो, जो भी आपका वर्ल्ड आपने, मतलब अपना कोई लोकल वर्ल्ड बना लो। आप मल्टीप्लेयर चाहो तो उसका अपडेट अभी इस वाले में नहीं आया, बट नेक्स्ट में आ जाएगा, तो मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा साथ के साथ। तो मैंने एक ये वर्ल्ड बनाया हुआ था, तो मैंने इसको फटाफट थोड़ा सा लोड करने में टाइम लगता है, तो मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो आप जैसे उत्तर नॉर्मल जो ग्राफिक्स है माइनक्राफ्ट है आप सबने खेला होगा, वही ब्लॉक्स वाले गंदे से ग्राफिक्स आपको सामने दिख रहे हैं। तो अब आप कर लेते हैं इसमें शेडर इंस्टॉल। तो देखते हैं आप कैसे इंस्टॉल करोगे, क्योंकि अभी तक आपको कोई ऑप्शन दिखा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है वीडियो सेटिंग्स में, और यहाँ पे ग्राफिक रखना है आपको सिर्फ फैंसी पे ही रखना, आपको इससे कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे शेडर्स में नीचे दिख जाएगा विजडम शेडर, तो आपको सिंपल इस पर एक बार सिंगल क्लिक करना है, और सिंगल क्लिक करते ही आपका स्विच हो जाएंगे ग्राफिक्स। तो मेरे ग्राफिक्स अब स्विच हो रहे हैं। तो कैसे आप देख सकते हैं मेरे अब जो ग्राफिक्स हैं वो हो चुके हैं लोड, और नीचे आपको मेरे ग्राफिक्स कार्ड का नाम भी दिखाई दे रहा होगा, जो मेरे 8000 वाले पीसी का ग्राफिक कार्ड है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड में कितना बड़ा जंप आया, मतलब आपका ग्राफिक्स कार्ड ऐसा लग रहा है कोई मॉडर्न गेम आप खेल रहे हो, बिल्कुल उतनी ही अच्छे से ग्राफिक्स हो गए हैं। और क्या कहते हैं, वाटर्स की क्वालिटी और सारे जो बादल इसमें आपको दिखाए, मतलब क्लाउड्स जो हैं वो आपको ब्लॉक्स दिखा देते हैं डिफॉल्ट में, और इसमें देख सकते हो कितने अच्छी क्वालिटी के इसमें क्लाउड्स हैं। और वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपके साउंड इफेक्ट्स भी शायद थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और जैसे जैसे रात हो जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा गेम ये। और आप चाहो तो यहाँ से वीडियो, अगर आपका थोड़ा गेम लैग हो रहा है तो आप चाहो तो अपना मैक्स फ्रेम रेट का ऑप्शन है आप इसे कर लो 60 पर लॉक, क्योंकि आप इसे 60 पर अगर लॉक कर लोगे तो आपका काफ़ी स्मूथ हो जाएगा गेम, अगर आपका हल्का फुल्का लैग हो भी रहा है तो। तो गाइस अब कर लेते हैं थोड़े कंपैरिजंस की, कैसा पहले था और अब कैसा हो चुका है। तो शुरू कर लेते हैं कंपैरिजंस को।
तो गाइज आपने देखी कि वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और शेडर अच्छा लगा मैं इस पर और भी वीडियोस अगर आप चाहो तो बना सकता हूँ, और शेडर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज और लो एंड पीसीज के लिए, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारी वीडियोज़ देखने के लिए। और मैं बता दूँ ये किसी लोगों के लिए नहीं है, अगर आपका थोड़ा पीसी बहुत ज़्यादा लो एंड मतलब इंटेल के एचडी ग्राफिक्स है तो आप ये वाला मॉड उस पर मत डालो, आपका एक डेडिकेटेड ग्राफिक होना चाहिए तभी आपके में ढंग से चलेगा। तो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।